नहीं मानी और अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया तो हम क्रमिक प्रोग्राम के तहत सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे कि भगवान हमारे जिले के एसपी को सद्बुद्धि दे और वो अपने विधिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम हो। जो अभियुक्त गण हमारे सम्मानीय अधिवक्ता के साथ मारपीट करके खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस प्रशासन को और समाज को चुनौती दे रहे हैं, उनकी चुनौती समाप्त हो। हम राजसमंद जिला पुलिस प्रशासन के लिए उनको बुद्धि देने के लिए कल कार्यालय के बाहर सड़क पर बैठे धरना दे रहे हैं। जब एक अधिवक्ता को पुलिस प्रशासन न्याय नहीं दिला सकता तो आम आदमी क्या अपेक्षा कर सकता है। उन्हीं के इस रवैये की वजह से आज सभी अधिवक्ता बारिश्चंद के सभी सदस्य पूरे तहसील स्तर के स्तर में हड़ताल हुई है। पूरे संभाग लेवल पर कार्यों का बहिष्कार किया गया है सिर्फ और सिर्फ इस पुलिस प्रशासन की अकर्मण्यता से और उनके ढीले रवैये की वजह से। और अभियुक्तगण जो जिन्होंने अधिवक्ता के साथ मारपीट की है वो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके विरोध स्वरूप आज बारिश्चंद राजसमंद के सभी सदस्य यहाँ एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं। हमारी ये मांग है कि उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। जो इन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए हैं, सीसीटीवी फुटेज देखे हैं इन्होंने, कॉल डिटेल या उनके उस हिसाब जो भी एविडेंस कलेक्ट किए हैं उन्होंने और जो भी इसमें संलिप्त है, जिसने ये वारदात को अंजाम दिया, जिसने ये कृत्य किया है, उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कठोर कानून कार्रवाई की जाए। आपका धन्यवाद देता हूँ। आप कम से कम हमारे इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करके और प्रशासन को